टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सुन्हा आपके साथ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की नीतियों पर बोलते आए हैं, साथ ही साथ अगर कोई गड़बड़ी भी होती है तो उस पर वो सवाल जरूर खड़े करते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तेजस्वी यादव पर कोई सवाल खड़े ना हो? आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है और अब इसी को मुद्दा बनाया है एनडीए ने। एनडीए के लोगों का कहना है, एनडीए के नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन्हें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको हम बीजेपी नेता का भी बयान सुनाएंगे जो कि काफी विवादास्पद है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लेने से यौन क्षमता कम नहीं होती, ऐसे बयान तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने दिए हैं। आप सुनिए खुद क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता राम सागर सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं? आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए, टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश ही नहीं विदेशों के भी करोड़ों अरबों लोग टीका लगाकर अपनी यौन क्षमता को बरकरार रखे हैं। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और अपने समर्थकों को भी टीका लगाने का आह्वान करें और टीका लगवाएं, क्योंकि टीका लगाने से ही कोरोना के तीसरे लहर को रोका जा सकता है और बिहार ही नहीं भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाया जा सकता है। आप अपने समर्थकों को टीका लगाने का आह्वान करें, स्वयं लगाकर अपने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालें, मीडिया में डालें। इसके बाद हम आपको बयान सुनाते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का। सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। देखिए, एक तरफ जहां देश कोरोना से परेशान है, वहीं हम और सरकार के लोग अपोजिशन के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से तंग आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घर में बैठे हैं, कोरोना का भयानक काल चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जनता के बीच में एक मैसेज देने के लिए कम से कम वैक्सीनेशन करा लें, खुद कराएं, खुद अपने परिवार के सदस्यों से करवाएं और अपने समर्थकों से भी आह्वान करें कि वो जाकर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन ही जान बचाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो अपनी राजनीति करनी है, ये बताना है कि सरकार विफल हो चुकी है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम जब वैक्सीन लगा रहे हैं तो ये घर में बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष साहब, आप कोरोना मत फैलवाइए, कोरोना अगर फैलेगा तो इसके जिम्मेवार आप होंगे, इसलिए आग्रह है कि घर से निकलिए और जाकर वैक्सीनेशन करवाइए। तो आपने देखा सुना कि कैसे कैसे शब्द तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। हालांकि वैक्सीन लेना नहीं लेना ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे शब्द का प्रयोग बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है। उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को कहा है कि वैक्सीन लेने से यौन क्षमता कम नहीं होती, यह कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा है कि नेताओं के द्वारा ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप सीधे सीधे भी उन्हें कह सकते थे। हालांकि जो भी है वो तो बात की बात है। इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।